ब्यूटीफुल डे इन नेबरहुड 2019 में आई बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मैरियल हिलर। इस मूवी में टॉम हैंक्स और मैथ्यू रीज मेन लीड में हैं। इसकी कहानी बड़ी सिंपल है। 1998 का वक्त था जब लॉयड वोगल, जो कि स्क्वायर मैगजीन में जर्नलिस्ट हैं और वो अपनी पागलपंथी की राइटिंग्स के लिए फेमस होते हैं, एक दिन वो अपनी बहन की शादी में जाता है अपनी बीवी और बच्चे के साथ, और वहाँ पे वह अपने पिता से मिलता है। वहाँ पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ा था और जिस वजह से फॉर सम रीज़न वो मर गई थी। लॉयड की बॉस उसको बच्चों का प्रोग्राम चलाने वाले फ्रेड रॉजर्स का इंटरव्यू लेने के लिए भेजती हैं। लॉयड को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी राइटिंग्स फ्रेड की कहानियों से बिल्कुल अलग थी। इतना फेमस होने के बाद भी फ्रेड लॉयड से मिलता है और लॉयड से उसके नाक में लगी चोट के बारे में पूछता है। लॉयड बताता है कि उसके पिता के साथ में झगड़ा करते हुए ये सब हुआ। फ्रेड उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कहता है और उसे पिता से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। फ्रेड लॉयड को कहता है कि जब उसे गुस्सा आता है तो अपने पियानो बजाता है, पियानो की सारी लो कीज एक साथ बजाता है और उसे उसका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सब चली जाती है। इंटरव्यू सिर्फ 20 मिनट चला और फ्रेड अपने शो में वापस चला जाता है। क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी छोटा सा था इसलिए लॉयड फ्रेड के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान पाता। उसको जानने के लिए लॉयड फ्रेड के बहुत सारे एपिसोड्स देखता है पर फिर भी वो उसको नहीं समझ पाता और वो अपनी वाइफ से कहता है कि फ्रेड इज़ रियली ए कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। उसके बाद लॉयड फ्रेड से न्यूयॉर्क में मिलता है, फिर से इंटरव्यू शुरू करता है। फ्रेड अपने इंटरव्यू को लॉयड के सवालों की बजाय उसके चाइल्डहुड के बारे में पूछने लगता है कि उसके फादर के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे थे। फ्रेड लॉयड को बताता है कि उसने अपने खुद के बच्चों को कैसे बड़ा किया है, कैसी परवरिश दी है। लॉयड परेशान होकर वहाँ से गुस्से से चले जाता है इंटरव्यू बीच में छोड़कर। जब लॉयड वापस आता है तो वो अपने पिता जेरी को उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पाता है। आते ही लॉयड उसके साथ झगड़ा करने लगता है और जेरी को घर से निकल जाने के लिए कहता है। तभी जेरी को अटैक आता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में लॉयड एक पल भी नहीं रुकना चाहता और इंटरव्यू लेने के लिए पिट्सबर्ग फ्रेड के पास चला जाता है। स्टूडियो पहुंचते ही थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है और फ्रेड उसको खुद के घर में ले जाता है। सपने में वो खुद को फ्रेड के शो का एक ओल्ड रैबिट कैरेक्टर बना हुआ पाता है। ये ओल्ड रैबिट वही था जो उसके पिता ने उसको बचपन में गिफ्ट दिया था और वो सॉफ्ट टॉय लॉयड को बहुत पसंद था। फ्रेड सपने में उसको खुद के गुस्से पर काबू करना सिखाता है। अचानक से लॉयड की नींद खुल जाती है और वो रूम से बाहर आते ही फ्रेड और उसकी वाइफ को पियानो बजाते हुए पाता है। फ्रेड और लॉयड रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वो लॉयड को कन्विंस करता है कि वो अपने पिता को माफ़ कर दें। तब लॉयड अपने पिता के घर जाके उनसे माफ़ी मांगता है और उसे तब पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट की बीमारी है और उनके पास ज़्यादा दिन नहीं है। फिर लॉयड जेरी की देखभाल करने लगता है और उसे माफ़ कर देता है और वो अपने पिता से वादा करता है कि वो एक अच्छा बाप बनकर दिखाएगा। मैगज़ीन पब्लिश होने के बाद फ्रेड लॉयड के घर जाता है और जहां उसकी पूरी फैमिली होती है, और वहां से वापस जाते वक्त लॉयड के पिता के कान में कुछ कहता है जो मूवी में भी क्लियरली नहीं बताया गया है, पर उसका मतलब ये था कि प्रे करो सबके लिए क्योंकि कौन आखिरी बार मिल रहा हो ये कोई नहीं जानता। उसके बाद फ्रेड अपने एपिसोड का फाइनल शॉट पूरा करके पियानो बजाते हुए मूवी में बताया गया है। इसके साथ ही उसके सारे इमोशंस, उसकी एंगर सभी बयां हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। You know what's the best thing in the world to me right now? Talking to you. Because if anything was more important, then I would be doing it.